अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल डेली लाइफ। मेरा नाम साइमा अली खान है और आज मैं डेली लाइफ में आप सबको बनाना सिखाने जा रही हूँ गोला कबाब की कढ़ाई। गोला कबाब और रेशमी कबाब और एक मैंने कबाब बनाए थे तुर्किश कबाब, तो इन सब का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो जो मैंने इंग्रेडिएंट इसमें यूज किए हैं वो है तुर्किश कबाब के, ठीक है। तो ये आप लोग, अगर आपको इसकी रेसिपी नहीं पता तो आप लोग नीचे लिंक में जाके उसकी रेसिपी देख सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। इसमें जो इंग्रेडिएंट चाहेंगे वो है अदरक लहसुन का पेस्ट, सूखा धनिया और गरम मसाला, हल्दी, लाल मिर्च, नमक और जीरा, ठीक है। और ये लास्ट में मैं ऐड करूंगी हरी मिर्चें, चॉप किया हुआ प्याज, दही, टमाटर और थोड़ी सी क्रीम यूज करूंगी मैं इसमें, और कढ़ाई मसाला शान का एक चम्मच मैं जरूर यूज करती हूँ। कढ़ाई बना रही हूँ तो मैं ये मसाला, मुझे बहुत पसंद है, मैं यूज करती हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कबाब। कबाब किस तरह बनेंगे, आपने ये एक मोटी सी सीख ले लेनी है इस तरह की, ठीक है। और अगर आपके पास सीख नहीं है तो क्या कहते हैं उसको, वुडन की स्टिक्स मिलती हैं, वो आप लेके उसमें भी आप बना सकते हैं, जिस तरह मैं आपको तरीका बताऊंगी उस तरह, ठीक है। तो सब में पहले आपने अपने हाथों पे ऑयल लगा लेना है इस तरह, ठीक है। और एक आपने कबाब के जितना ये ले लेना है, जितना बड़ा आपको साइज चाहिए, एक नॉर्मली साइज होता है इसका, ठीक है, गोला कबाब का। इस तरह आपने इसको बना के ये सीख ले ली आपने, शेप देने के लिए आपने ये इस तरह कर लिया, ठीक है। ये जो आपने कर लिया तो ये हमारा बन गया गोला कबाब। इस तरह मैं सारे कबाब बनाऊंगी। ये निकाल के मैंने इसको फ्राई कर लेना है हल्के से ऑयल में। मैं दिखाऊंगी कि मैं किस तरह फ्राई करती हूँ जब तक मैं सारे बना लूं, ठीक है। एक टिप देने जा रही हूँ, अगर आपको फ्राई नहीं करने गोला कबाब तो आप चाहें तो इनको ऐसे चूल्हे पे सेक भी सकते हैं, ऐसे सेक लें तो ये टूटेंगे नहीं, ठीक है। मैं फ्राई इसलिए कर रही हूँ कि ये टूटे ना, तो अगर आप सेक लेंगे तो भी ये नहीं टूटेंगे, ठीक है। और अब मैं इनको फ्राई करने जाऊंगी हल्का सा सेकने के बाद, क्योंकि हमें एक शक्ल ही चाहिए होती है खूबसूरत सी, ठीक है। अब मैं फ्राइंग पैन को इस पे रख दूंगी और मैं आहिस्ता आहिस्ता इसमें ऐड करती जाऊंगी इसको, तो ये हल्के से शैलो फ्राई हो जाएंगे। तो फिर अब इसका मसाला रेडी करते हैं। सीमा पर ये फ्राई होते हैं। ये देखें कितने शानदार से गोला कबाब रेडी हो गए हैं। तो इनको मैं ज्यादा नहीं पकाऊंगी क्योंकि हमें कढ़ाई बनानी है इनकी, तो मैं ये निकाल लूंगी प्लेट में, साइडों से थोड़ा सा इनको फ्राई करके निकाल लेना है। हम इनकी शक्ल देखें, लाजवाब लाजवाब लाजवाब। तो और भी मैंने इसी तरह इसमें ऐड कर ली है। बहुत अच्छी टिप है जो कि आपने जरूर यूज करनी है। चलें जी, अब हम रेडी करते हैं कढ़ाई मसाला। और सबसे पहले मैं इसमें प्याज चॉप किया हुआ ऐड करूंगी, ठीक हो गया। और इसमें जो ऑयल शामिल किया है, मैंने अभी थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है, बाकी जिसमें मैंने कबाब फ्राई किए थे वो ऑयल यूज किया है, वो ऑयल आपने जरूर यूज करना है, इसलिए कि सारे जूसेस और चिकन के जो भी हैं वो उसमें चले गए थे, तो वो ऑयल बड़ा टेस्टी होगा, तो वो ऑयल आपने जरूर यूज करना है। चॉप किया हुआ प्याज आप ले लें, एक थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो जाता है। तो फिर हम इसमें टमाटर ऐड करते हैं। प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुका है तो अब मैं इसमें टमाटर ही, मैंने 3 अदर टमाटर लिए हैं, तो इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करूंगी। टमाटर जरा सा गल जाए तो फिर इससे दही ऐड करते हैं। हाँ जी, तो मसाला तकरीबन रेडी है, थोड़ा सा और भून लूंगी
तो उससे पहले मैं इसमें सारे मसाले ऐड करना चाहूंगी जो मैंने आपको बताई है। सारे मसाले एक साथ ऐड करूंगी मैं इसमें। मसाले भुन जाएं, इसके साथ ही दही ऐड कर लेते हैं इसमें एक प्याली भर के। मसाला भुन चुका है अच्छी तरह। अब मैं इसमें एक या डेढ़ टेबल स्पून आप इसमें शामिल कर लें कढ़ाई मसाला। ये ऑप्शनल है, आपकी मर्जी, आप इसमें ऐड करें नहीं करें, ठीक है। ये जरा सा पक जाए, हम अब इसमें शामिल करने जा रहे हैं कोला कबाब, ठीक है। ये कोला कबाब देखें कितने शानदार बने, जबरदस्त। इसी तरह मैं इसमें ऐड करती जाऊंगी। हमें इसको ज्यादा नहीं पकाना, 10 मिनट, हार्डली 8 मिनट आप इसको दें और इसमें चम्मच नहीं चलाना, और फिर ये हमारा रेडी है। बिल्कुल हल्की आंच पे बिल्कुल इसको ढक दें आप। हाँ जी, ये 5 मिनट इनको हो गए तकरीबन। तो अब मैं ये, क्योंकि फ्राई हैं तो ये टूटेंगे नहीं, मैं जितना भी चम्मच इसमें चला लूं, तो अब मैं इसमें ऐड करने जाऊंगी क्रीम, और फिर हम इसको 3 मिनट और देंगे कि मैंने आपको 8 मिनट कहे थे, और फिर 3 मिनट के बाद मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ, ठीक है। क्रीम थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए, इसमें पक जाए अच्छी तरह, तो मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये ले जी, गोला कबाब कढ़ाई रेडी है, बिल्कुल क्रीमी कढ़ाई है ये। आप चाहें तो क्रीम यूज करें, ना करें भी तो वैसा ही टेस्ट आएगा, जबरदस्त कढ़ाई का। तो मेरी रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा, मुझे इंस्टा पे फॉलो करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, जजाकल्लाह, हाफिज।